बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम सेकंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है इंजेक्ट प्रिंटर। जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक में फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ा था, जो कि थी फोटोकॉपियर। आज हम देख रहे हैं इंजेक्ट प्रिंटर। देखिए, हमने फोटोकॉपियर में जो इंक यूज़ की थी वो इंक पाउडर टाइप इंक थी। आज हम इंजेक्ट प्रिंटर को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम इंक को यूज़ करेंगे वो आपकी इंक जो है वो फ्लूइड में होगी। तो इंजेक्ट प्रिंटर को देखते हैं। इंजेक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो पेपर के ऊपर इमेज को डिपॉजिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स। यानी कि यहाँ पर प्रिंटर जो है वो वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं, जिनसे मिलकर आपका क्या बनती है, आपकी इमेज बनती है। तो इंजेक्ट प्रिंटर को देखते हैं। एन इंजेक्ट प्रिंटर इज अ प्रिंटर विच डैट प्लेस वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन द पेपर टू मेक एन इमेज। तो इंजेक्ट प्रिंटर क्या करते हैं, वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक से पेपर के ऊपर क्या बनाते हैं, इमेज बनाते हैं। और इस मकसद के लिए हम चार्ज इलेक्ट्रिकल चार्ज को यूज़ करते हैं। तो इट यूज इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स ऑपरेशन। इट इज़ आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पर हम एक डायग्राम देखते हैं। ये आपको इंजेक्ट प्रिंटर की एक डायग्राम नज़र आ रही होगी। तो ये हम क्या करते हैं, इस तरह का आपने प्रिंटर को देखा होगा, हमारे ऑफिस में, घरों में हम प्रिंटर को यूज़ करते हैं, इंजेक्ट प्रिंटर को। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजेक्ट प्रिंटर। तो सबसे पहले हम एक सिस्टमेटिक डायग्राम कंसीडर करते हैं। ये इंजेक्ट प्रिंटर की सिस्टमेटिक डायग्राम है। यानी कि जो इंजेक्ट प्रिंटर आपका काम कर रहा होता है, किस तरीके से काम करता है, किस किस हिस्से में डिवाइड होता है, तो उसको हम डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है जी हिस्सा प्रिंटिंग हेड। तो सबसे पहला हिस्सा है आपका प्रिंट हेड का। प्रिंट हेड कंसिस्ट करता है आपका विच कंसिस्ट ऑफ अ नोजल विद एन इंक पम्प। ये है जी आपका इंक पम्प और ये नोजल। ये किस में आती है, आपकी प्रिंटिंग हेड का हिस्सा है ये सब। दूसरा हिस्सा है जी टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट चार्ज कॉल्ड चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं ये भी किसका है, आपका प्रिंटिंग हेड का हिस्सा है। यानी कि पम्प और नोजल और इलेक्ट्रिक और चार्ज इलेक्ट्रोड्स जो हैं, ये सब चीज़ें क्या आपका प्रिंटिंग हेड का हिस्सा है। दूसरा आ जाता है आपके पास डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ये जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगी हुई हैं, ये डिफ्लेक्शन प्लेट। और तीसरा है जी हमारे पास यहाँ पर गटर। ये जो हिस्सा है आपका, इसको क्या बोलते हैं, गटर। ये आपका गटर है। ये है सिस्टमेटिक डायग्राम। अब इस सिस्टमेटिक डायग्राम के मुताबिक किस तरीके से आपका काम होता है, हम वो वर्किंग में सीखेंगे। तो नेक्स्ट आ जाते हैं जी वर्किंग ऑफ इंजेक्ट प्रिंटर। तो इंजेक्ट प्रिंटर की वर्किंग को समझने के लिए हम अपनी वही सिस्टमेटिक डायग्राम को कंसीडर करते हैं। ये है जी आपकी सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ इंजेक्ट प्रिंटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंक होती है फ्लूइड टाइप, वो आपकी यहाँ पर पड़ी होती है, जहाँ पर लिखा हुआ ये फ्लूइड सप्लाई। यहाँ पर आपकी इंक जो है वो फ्लूइड में होती है। ऊपर आप देख रहे हैं कि पंप लगा हुआ है। ये पंप क्या करता है, इस फ्लूइड सप्लाई को सक करता है ऊपर की जानिब को। ये इंक जो है आपकी कहाँ जाएगी, पंप इसको सक करेगा ऊपर की जानिब को। फिर पंप जो है वो डिलीवर करता है इंक को इधर ऊपर नोजल के पास। ये इंक यहाँ से कहाँ जाती है, आपकी ऊपर जाती है नोजल के पास। ये जो नोजल लगी हुई है आगे, ये क्या करती है, इस इंक को वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स में क्या करती है, डिवाइड कर देती है। यानी कि उस इंक के वेरी थिनी पार्टिकल्स बन जाते हैं, थ्री ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं इसके। उसके बाद इंक जो है वो आगे से पास आउट होती है चार्जिंग इलेक्ट्रोड से। ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड, ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड आपका कनेक्ट होता है आगे चार्ज ड्राइवर के साथ, और ये चार्ज ड्राइवर जो है ये कनेक्ट होता है आपका कंप्यूटर के साथ। और ये फिर ड्रॉपलेट्स जो हैं ये यहाँ से चार्जिंग इलेक्ट्रोड से पास आउट होने के बाद आगे जाते हैं हाई वोल्टेज डिफ्लेक्शन प्लेट में। ये जो प्लेट्स हैं हाई वोल्टेज प्लेट्स,
ये दोनों प्लेट्स जो हैं हमने बैटरी के साथ कनेक्ट की होती हैं, यहाँ पर 220 वोल्ट्स जो हैं इसको गिवन होते हैं, यानी कि आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा इस प्लेट के ऊपर। और फिर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो कुछ ड्रॉपलेट्स यहाँ पर गटर में आ जाते हैं और कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आगे पेपर के ऊपर चले जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं। अब हमने यहाँ पर ये सीखना है कि कौन से ड्रॉपलेट्स जो हैं वो गटर में आते हैं और कौन से ड्रॉपलेट्स आगे पेपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, देखें जी, जब नोजल से यहाँ से आपके ड्रॉपलेट्स पास आउट होंगे तो वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड में इंटर होंगे। अब ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो है आपका, ये कनेक्ट है कंप्यूटर के साथ। अब कंप्यूटर से आपने जिस भी इमेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो वहाँ से आप कमांड देते हैं प्रिंट की। जब आप कमांड देते हैं प्रिंट की तो ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो हैं ये क्या हो जाते हैं, यहाँ से यहाँ पर ये ऑन हो जाते हैं, यानी कि इसको करंट मिलता है। तो करंट मिलने से इसका अगर पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड में से जब चार्ज गुजरेंगे तो इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। जब चार्ज आ जाएगा इनके ऊपर तो फिर ये चार्ज जो है, चार्ज पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, आगे डिफ्लेक्शन प्लेट के पास जाएंगे। अब डिफ्लेक्शन प्लेट पर भी आपने क्या किया हुआ है, वोल्टेज को अप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपका और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल अगर अब यहाँ पर एक हम पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, इस पार्टिकल के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट के ऊपर भी आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये कहाँ की जानिब को आ जाएगा, ये नीचे की जानिब को चला जाएगा और नीचे की जानिब को कहाँ, गटर में होता हुआ नीचे की जानिब को चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर अगर इस चार्ज के ऊपर, पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया है तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और ये चार्ज कहाँ को चला जाएगा, ऊपर की जानिब को चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नीचे की जानिब को जा रहे हैं और नेगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की जानिब को जा रहे हैं। जो चार्ज ऊपर की जानिब को जा रहे हैं, नीचे की जानिब को जा रहे हैं, ये सब के सब कहाँ जा रहे हैं, आपके गटर में जा रहे हैं। और जिन, अब फिर इसका मतलब है कि कौन से चार्जेस जो हैं वो पेपर के ऊपर जा रहे हैं, जिन जब हम कमांड देते हैं प्रिंटर से के कंप्यूटर से कमांड देते हैं कि हमने कोई सी चीज़ को डिपॉजिट करना है पेपर के ऊपर, तो उस टाइम ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स जो हैं ये क्या आ जाते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, यानी कि यहाँ पर इन पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। जिन पार्टिकल्स के ऊपर या ड्रॉपलेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में सीधे चले जाएंगे और यहाँ पर पेपर के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएंगे। और जिनके ऊपर चार्ज हो जाएगा वो कहाँ चले जाएंगे, गटर में चले जाएंगे और नीचे से गटर से होने के बाद फिर दोबारा इंक फ्लूइड सप्लाई के अंदर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से ये सीखा कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स जो हैं क्या करते हैं, जिन पार्टिकल्स को चार्ज कर देते हैं या जिन ड्रॉपलेट्स को चार्ज कर देते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, गटर में चले जाते हैं, और जिन ड्रॉपलेट्स को वो चार्ज नहीं करते वो सीधे कहाँ चले जाते हैं, न्यूट्रलाइज होने के बाद पेपर को फैसले जाते हैं और वहाँ पर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इसकी क्या थी, वर्किंग थी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।